जी नाज़रीन, आप देख रहे हैं कि सहरी का दस्तरखान इस वक्त लगा हुआ है और बहुत अच्छे इन्होंने कबाब बनाए थे। यकीन माने घर की खालाओं की याद दिला दी इन्होंने, नो डाउट, बहुत अच्छा। और फिर ये जो ये था क्या, फालूदा है ना, ये पूरा हमने खा लिया है और बहुत हैवी फालूदा था और बहुत ज़बरदस्त था। अहमद भाई, कैसे लगे आपको कबाब, ये बताएं। बहुत उम्दा, अच्छे थे बिल्कुल। जी बुशरा, आप बताएं। बहुत मजे किए थे, हर चीज बहुत बैलेंस्ड डिली हुई थी, बहुत मजे किए थे। देखें आपके हाथ में जो है वो जायका है। इसमें हम बचपन पे भी जाते हैं कि जी आपका अपना बचपन कैसा था। अहमद भाई, कैसा बचपन था, कितने शरारती थे आप, शरारतें याद है अपनी, क्या क्या किया करते थे आप? शरारती थे तभी पुलिस में आ गए, शरारते करते करते। वो कहते हैं कि जो शरारती बच्चा होता है वो हमेशा जो है वो पुलिस अफसर बनना चाहता है, और जो ज़्यादा शरारती होता है वो कहता है मैं चोर बनूंगा। तो निस्बतन मैं कम शरारती था, पुलिस में आ गया। तो अहमद भाई, वैसे होता है ना कि हर कोई बचपन की कोई एक शरारत ऐसी जहन में रहती है जिस पे हमें बड़ी ख़तरनाक डांट भी पड़ती है, और अब हम जब सोचते हैं तो हंसते हैं। तो कुछ ऐसा याद है वाक्य, आपने कुछ ऐसा कुछ किया हो? इतना कोई ख़ास नहीं, लेकिन मैं आज के प्रोग्राम के हवाले से और ट्रैफिक पुलिस के हवाले से बचपन के बारे में मैं ये ज़रूर बताऊंगा कि हम जब छोटे थे तो माशरती उलूम की किताब में हमें वो ट्रैफिक के सिपाही का सबक वो पढ़ाया जाता था। अच्छा। और वो बहुत अच्छा सबक था, ये ट्रैफिक का सिपाही है, धूप हो, गर्मी हो, सर्दी हो, चौक पे खड़ा होता है, अगर बिल्कुल बिल्कुल इसके जो इशारे हैं उसकी पाबंदी करनी चाहिए, और अगर ये नहीं होगा तो हादसा हो जाएगा, और ये इस तरीके की आजकल फुकदान है इन चीज़ों का। तो मेरा माशरे उलूम की किताबों में डालना पड़ेगा डालना पड़ेगा। तो मैं जब भी सड़क पे देखता हूँ और सूरत हाल जो भी है, मुझे वो अपना बचपन हमेशा याद आता है कि हमारे स्कूल के ज़माने में हमारे क्लास टीचर हमारे कितना जोर दे के इन चीज़ों को पढ़ाते थे और बताते थे, जिनका अब रोड के ऊपर और आम तौर पे फुकदान नजर आता है। बिल्कुल। अच्छा अहमद भाई, एक इशू होता है जब भी कोई ख़ानदान में कोई पुलिस अफसर हो उसको रात के 2 बजे 3 बजे 4 बजे भी फ़ोन आ जाते हैं, तो ये होता है आपके साथ कभी फ़ोन आ गया जी बच्चा पकड़ा गया या फलाना हो गया, तो प्रॉब्लम होती है? और ऐसी ऐसी डिमांड होती है, ख्वाहिशात आती हैं, ख्वाहिशात आती हैं कि जैसे कोई पता नहीं, मैं तो कहता हूँ कि अगर वो गवर्नर भी हो तो वो भी नहीं लगा है, तो इस तरीके से, और फिर उसके अगेंस्ट में फिर वो नाराज़गियाँ वो चाहे वो फैमिली है या दोस्त है, वह भाई नहीं है वो एक काम नहीं हो सकता, जो कांस्टेबल रोड के ऊपर खड़ा है वो ही ऑल इन ऑल है, मुझे क्या मालूम कि कौन है, किस जगह के ऊपर किसने रोका है या क्या किया। खानदान में क्या नहीं समझ आता है, वो समझते हैं जी पूरे जो पूरा पाकिस्तान है ना वो साथ है। और दूसरा ऐसी ऐसी जो फरमाइशों की बात की, हमारे एक दोस्त थे उनकी शादी हो रही है, वो कह रहे हैं मुझे ना हूटर लगा के 10 गाड़ियों पर गुजरना है, परमिशन दिलाओ। भाई कहाँ से दिलाओ परमिशन, भाई नहीं होती। बुशरा, आपका कैसा था बचपन, कितनी शरारती थी आप? लग नहीं है मुझे आप होंगी वैसे। मैं चुपके शरारती जो होते हैं मैं वो थी, खामोशी से काम उतार दिया। हाँ, मतलब एक अब जितनी संजीदगी आई है वक्त के साथ वो शायद डांट का ही असर है। शादी के बाद आ जाती है नहीं, और पेरेंट्स की डांट भी, लेकिन हमारी शरारतें ऐसी होती थी जिससे किसी को नुकसान ना हो। कैसी, वही तो बताएं। वो ऐसी बेल बजा के भागी आप? मैं बेल पे, हम जब लाइट जाती थी तो हम नेबर्स की बेलों पे टेप लगा देते थे, और जब लाइट आती थी तो बेलें बजना शुरू हो जाती थी और कंप्लेंट्स भी आती थी। उसके अलावा मुझे जैसे बकरीद आती थी तो मुझे बहुत ज़्यादा एनिमल्स से मैं बहुत ज़्यादा बहुत शौक था मुझे कि मैं उनको ख्याल रखूं उनका, जैसे गाय बकरे हैं उनको खाना दूं, तो अक्सर पड़ोसियों के बकरे जो हैं बंधे हुए होते थे मैं खोल देती थी, और वो इधर उधर भाग रहे होते थे तो फिर सारे बच्चे उनको पकड़ रहे हैं। तो इस किस्म की शरारतें जो है बहुत की हैं, बहुत शरारती थी। हाँ देखिए ना, जो है वो शरारत होती है। अच्छा ये मुझे बताएं कि ज़ाहिर हर खातून जो है वो घर के काम करती हैं, लाइफ में अलग अलग काम करती हैं, कोई काम ऐसा है जो आपको मुश्किल लगता हो आप कहें कि ये मुझसे ना कराया करो, कोई ऐसा काम है? देखिए बात तो यही है ना कि आप मुश्किल काम को भी एज अ चैलेंज लें और उसको करें। नहीं नहीं, कर तो देंगी, लेकिन होता ना कोई कह दिया जैसे इनको रोटी पकाने में प्रॉब्लम है, मुझे बचपन में पानी की बोतलें भरने में प्रॉब्लम होता था, ये इस तरह का काम है आपको? अच्छा मुझे ये होता है कि जैसे सुबह के टाइम जब बच्चों को भी तैयार करना होता है, फिर नाश्ता भी बनाना होता है, लंच, क्योंकि ऑफकोर्स बींग अ मदर ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, तो समटाइम्स ऐसा होता है कि मेरा दिल नहीं करता कि मैं नाश्ता बनाऊँ, तो मैं अपनी बेटी, अब वो माशाल्लाह बड़ी हो गई है, तो मेरा ये होता है कि वो नाश्ता बना के मुझे रेडीमेड रख दे मेरे सामने।
कहते हैं। अभी थोड़ी ही देर में अजान फजर होने वाली है। ज़्यादा से ज़्यादा अपने मुंह से अच्छे अल्फाज निकालें, ज़्यादा से ज़्यादा दुआ करें, ना जाने कौन सा वक्त जो हो वो कबूलियत का वक्त हो। बात हो रही है वक्त की अहमियत पर। मोहसिन भाई, जैसे कि आपने बताया कि जवानी का जो वक्त है ये इस तरह गुजारना चाहिए, एक बुढ़ापा इंसान पर आता है जो हम ये कह सकते हैं कि 50 साल के बाद शुरू होता है, वो टाइम हमें किस तरह अपना गुजारना चाहिए? और अगर किसी से जवानी में इबादत नहीं हुई, उसने वो वक्त ज़ाया कर दिया है, तो फिर आगे क्या करना चाहिए उसे? इसकी बहुत अच्छा सवाल आपने किया। सबसे आसान हल है कि हमें कौन सा वक्त जो है सबसे बेहतर गुजारना चाहिए, तो इसका जवाब ये है कि हमें अपना हाल सबसे अच्छा गुजारना चाहिए। मुराद ये कि जिस हाल में हम, चाहे बुढ़ापा हो, चाहे जवानी हो, चाहे बचपन हो, जिस हाल में आप हैं ना, वो हाल आपका अच्छा हो जाए तो फिर क्या होता है, आपका जब ये माजी बनेगा वो पहले अच्छा हो चुका होगा, और मुस्तकबिल आपका हाल अच्छे होने की वजह से मुस्तकबिल आपका रोशन हो जाएगा। तो मालूम क्या चला कि हमें क्या करना चाहिए, अगर हम बुढ़ापे में भी, इंसान बोलता है यार मैंने ज़िंदगी भर तो गुनाह किया, ख़ता किया, अब मेरा क्या होगा, तो ऐसा नहीं। अब ताइब मैंने जम्बी कमल्ला जम्बा लहू, अल्लाह वक्त देता है, मोहलत देता है, जब तक बंदा मौत नहीं देख ले तब तक अल्लाह मोहलत दे रहा है, वक्त दे रहा है कि इस वक्त को यूटिलाइज़ कैसे करो, कि तुम तौबा करो, अल्लाह तुम्हारे गुनाह माफ़ फरमा देगा। तो मालूम क्या चला कि अल्लाह ने जो वक्त दिया है ना, चाहे बुढ़ापे में दिया हो, गनीमत जाने वो शख्स जिसको बचपन के बाद जवानी मिली, गनीमत जाने वो शख्स जिसको जवानी के बाद बुढ़ापा मिला। तो जिस हाल में भी हो, अल्लाह ताला की तरफ रुजू करें, हो सकता है वो आपका रुजू करना अल्लाह को बड़ा पसंद आ जाए। क्योंकि याद रखिएगा, फिर मैं आपसे बात कहूँ, फिर मैं उसी बात कहता हूँ कि देखें वक्त बड़ा कीमती क्यों है। ये रमज़ान, आज आप इस रमज़ान बहुत से लोगों से मिले, लेकिन पिछले जो रमज़ान में जो लोग थे वो नहीं हैं। तो अब अल्लाह ने जो हमें ये नेमत दी, हम हर लम्हे हर वक्त का ख्याल रखें कि पता नहीं अगले साल हमें ये मिले ना मिले, तो यही तो कदर है। इसलिए तो इस रमज़ान में अल्लाह ने एक कदर वाली रात भी पैदा की। बिल्कुल। अच्छा मोहसिन भाई, अगर रिसर्च करें तो जो नमाजी है उसी में हम देख लें कि उसके टाइमिंग फिक्स हैं कि इतने बजे से इतने बजे तक, फिर गैप, तो अल्लाह मियाँ तो हमें यहाँ भी इशारा कर रहा है। बिल्कुल। अब देखिए, नमाज हो, रोज़ा हो, हज हो, या इवन ज़कात हो, आप देख के सबको मुतय्यन किया है। आप ज़िल हज के महीने में हज करते हैं, काबा मौजूद है, सफ़ा मरवा मौजूद हैं, आए ज़िल हज के बजाय रमज़ान में चक्कर लगाते रहें, आपका हज नहीं होगा, अल्लाह तो है ना। मालूम कि अब रमज़ान के रोज़े आप शाबान में रखें तब भी कबूल नहीं। अगर आप ज़कात पूरे साल गुजरना अभी बाकी है, अगर कोई दे दे सब है, लेकिन साल गुजरने के बाद फ़र्ज हो जाता है, तो आप ज़रा सोचें हर एक का वक्त मुतय्यन। अगर फजर की नमाज मैं ईशा में अदा करूँ तो अदा नहीं होती, तो मसाल के तौर पे सजदा भी अल्लाह के लिए, रुकू भी अल्लाह के लिए, सूरतें भी अल्लाह के लिए, अल्लाह कबूल क्यों नहीं कर रहा? अल्लाह इसलिए कर रहा है कि जब तुम वक्त पे करोगे तो कबूल करूंगा। तो वक्त की अहमियत हमें खुद बता रहा है कि अल्लाह ताला कि वक्त की ये शान है कि जो काम वक्त पर होता है, चाहे इबादत हो, चाहे रियाजत हो, या आम काम हो, अल्लाह उसे कबूल फरमा लेता है। अच्छा मोहसिन भाई, जैसे हमने अपने मेहमानों से डिस्कस किया था कि बहुत से लोग लोगों का वक्त ज़ाया कराते हैं इसमें कि जी हम बड़े इंपॉर्टेंट हैं, हम लेट जाएंगे तो हमारी इज्जत होगी, क्या किसी का वक्त ज़ाया कराना क्या गुनाह के ज़मरे में आता है? देखिए, बात यह है कि अल्लाह ताला हर लम्हे के बारे में आप सवाल करेगा, वम यामल मिसकाल ज़र्रतिन खैरियरा, वम यामल मिसकाल ज़र्रतिन शर्रियरा। हर लम्हे में जो तुमने अमल किया ना, अल्लाह पूछेगा अगर शर किया वो पूछेगा क्या किया, और अगर तुमने खैर किया तभी अल्लाह पूछेगा। अगर आप किसी का वक्त ज़ाया कर रहे हैं तो अल्लाह पूछेगा ना कि आपने अल इंतज़ार अशद मिन अल मौत, एक मकूला है कि इंतज़ार जो है वो मौत से भी ज़्यादा सख्त होता है। तो मुराद ये कि अगर आप किसी को बिला वजह इंतज़ार करा रहे हैं, उसका वक्त ज़ाया कर रहे हैं, तो अल्लाह ताला भी पूछेगा और बंदा ही पूछेगा। रोज़े मेशर आएगा कि ये बंदा आकर पूछेगा कि तूने ये वक्त में अल्लाह के जिक्र में लगा था। मिसाल के तौर पर अभी आप सूरह फातिहा पढ़ें तो वो सवाब आपको जब जो मिल रहा है, अगर मरने के बाद दुनिया की जब कब्र के अंदर जाए बंदा, पूरी रात पूरा दिन पूरी जब तक हशर नहीं आता कुरान पढ़ता रहे, क्या वो सवाब मिलेगा जो ज़िंदगी में उसने पढ़ा था? नहीं मिलेगा। इसी तरीके से अगर आप देखा जाए, जिसने वक्त ज़ाया किया वो रोज़े में शर उसका पकड़ेगा कि अगर तुम ये मेरा वक्त ज़ाया नहीं करते तो शायद मैं अल्लाह का कलाम पढ़ता, शायद मैं अल्लाह का जिक्र करता, तो ये अल्लाह ये वक्त इसने मेरा ज़ाया किया तो मैं गुनाहगार नहीं, इस मामले में ये गुनाहगार। बिल्कुल जी, अगर आप एक रिसर्च करें, आज ही कर लें रिसर्च, और नमाज के बारे में आप सोचें या और चीज़ों के बारे में सोचें, तो अल्लाह मियाँ हमें उसमें वक्त की पाबंदी करने का इशारा दे रहा है।
अब वो हम ज़ाहिर है उसको उस तरह नहीं लेते, हम कहते हैं यानी नमाज का वक्त निकल गया, या अक्सर हम कहते हैं यार फजर की नमाज का वक्त निकल गया, जहर की नमाज का वक्त निकल गया, लेकिन ये अल्लाह की खुशनसीबी होती है कि आपको अगला दिन मिल जाता है और आपको फिर अल्लाह मियाँ मौका दे देता है। तो वक्त की जो अहमियत है उसको समझना बहुत ज़रूरी है। अहमद भाई, उस वक्त हम ब्रेक में ही बात कर रहे थे कि एक हमारे यहाँ बड़ा बुरा कॉन्सेप्ट है, वो ये है कि जब कोई ट्रैफिक अहलकार रोकता है तो टेलीफोन मिलाने का एक बड़ा कल्चर है कि बस वो यहाँ से हाथ निकाला और टेलीफोन हाथ में दे दिया। किसको जिम्मेदार समझते हैं? क्या उन लोगों को समझते हैं जो फ़ोन पे बात कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी अहदे पर हों, या इसमें एक हमारी ये हो चुकी कि जी पुलिस ने रोका नहीं है अभी और हम टेलीफोन पहले दे देते हैं हाथ में, लो बात करो। ये लो बात करो क्यों होता है? ये गलत रुझान है और हर जगह पर हम समझते हैं कि हम गेट अवे ले लेंगे, हमारे कोई दो अफसर अगर जानने वाले हैं या कोई और इवन कोई भी है तो हम ये समझते हैं कि बहुत आसान है हम गेट अवे, ऐसा होता नहीं है। और फिर जब हम रियल लाइफ में हम इस कॉन्सेप्शन में नामालूम कितनी गलतियां कर रहे होते हैं, लेकिन जब इन रियलिटी आप जब वो आप रोके जाते हैं या पकड़े जाते हैं या वो होता है, और जब वो फ़ोन इंटरटेन नहीं होता या नहीं उसके ऊपर होता, फिर आपको पता चलता है कि आप कितने खसारे में थे, आपके गलत आपकी सोच थी। तो लिहाजा ये एक गलत रुझान है, गलत ट्रेंड है, इसको नहीं होना चाहिए। वक्त के हवाले से बात हो रही थी, मैं ज़रूर कहूँगा कि वक्त की कदर करें और सबका वक्त कीमती है। और ट्रैफिक के हवाले से ख़ास तौर के ऊपर कि जब आप रोड के ऊपर आते हैं आप अपने वक्त को मैनेज करें, और आप कोई बहुत ज़्यादा नहीं है इम्पोर्टेंट, सब ही वो पैदल चलने वाला है, ख्वाह वो मोटरसाइकिल के ऊपर है, ख्वाह वो कार पे है, ख्वाह वो गाड़ी पे, बड़ी गाड़ी छोटी जो भी है, सबका वक्त कीमती है, सब अपने टाइम से है। तो आप एक रोड के ऊपर एक हैजानी कैफियत में डाल के सबका वक्त ख़राब कर दें, सबका वक्त ना ख़राब करें, खासकर सिग्नल के वक्त जो लोग करते हैं। और जी हाँ बिल्कुल, वहाँ पे रुकें आप जहाँ पे आपका रुकने का हक है, दूसरों को उनका हक दें, और छोटे छोटे गेस्चर्स जो आपने राइज कर लिए हैं अपने ऊपर उसको ख़त्म करने की कोशिश करें। मिसाल के तौर पे ये लाइटें देना, ये इंडिकेटर दे के आप अपना हक समझ लेना कि जी आपने नहीं, देखिए इंडिकेटर एक रिक्वेस्ट होती है आपकी कि आप लेन चेंज करें, आपने इंडिकेटर दिया और आप मुड़ गए, ये नहीं है। इसी तरीके से हॉर्न देना, इसी तरीके से अभी डिपर का बड़ा रिवाज चला हुआ है, भाई डिपर जो है वो उस जगह पे मौजब दुनिया में दिया जाता है जहाँ पे आप अपना हक छोड़ रहे होते हैं। अच्छा भाई ठीक है, मेरा राइट है, मैं विड्रॉ कर रहा हूँ, आप जल्दी चले जाओ वहाँ। आप तो डिपर का मतलब समझते हैं, जगह हॉर्न भी बजा रहे हैं, आप डिपर भी दे रहे हैं और आप जना वाला सिग्नल भी तोड़ रहे हैं, नहीं आप इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो लिहाजा सबका। अच्छा अहमद भाई, रमज़ानों में एक इशू होता है, ज़ाहिर लोग निकलते हैं शॉपिंग के लिए, वो तो ज़ाहिर उनका हक है, लेकिन लोग रॉन्ग पार्किंग करके निकल जाते हैं, उसके बाद वो कहते हैं भाई ठीक है अब ये खुद ही लोग आगे पीछे मैनेज करते रहेंगे, या गाड़ी ऐसी लगाएंगे कि ना दूसरा जा सकता है ना आ सकता है, और इतने बड़े बाजार में उनको ढूंढते रहो, ऐसी सूरत हाल में बेचारे ट्रैफिक वालों की तो बड़ा मसला होता है। बिल्कुल, मैं अगेन कहूँगा कि साल के 12 महीने ये गलत काम है, आपने रास्ते का हक तो रखना है कायम, और बतौर ख़ास रमज़ान में जब यही तरबियत है कि आप किसी के राह में आप रुकावट ना हायल करें, तो सड़क तो सबकी है, साझी है, ये एक सबका हक है, सबने यूज़ करना है। आप अपनी गाड़ी खड़ी करके या मोटरसाइकिल या कोई भी एक छोटा, देखिए ये सारी चीज़ें जो ट्रैफिक का फ्लो है उसमें ये इंच इंच फ़र्क डालता है, टाइमिंग में फ़र्क आ जाता है। एक पत्थर भी लगा हुआ रखा हुआ है, एक खड्डा भी अगर खुदा हुआ है, एक गाड़ी बंद हो गई है, एक गाड़ी गलत पार्क हो गई है, पूरा ट्रैफिक उस पूरी आर्टरी का उस पूरी रोड का डिस्टर्ब हो जाता है, कितने लोग परेशान और तंग हो जाते हैं, तो हमें ये सब चीज़ों का ख्याल करना चाहिए। बिल्कुल जी, क्योंकि रमज़ान में स्पेशली इस वजह से कह रहा हूँ कि एक तो बड़ा रश होता है ज़ाहिर बाज़ारों में, लोग निकलते हैं शॉपिंग के लिए, लेकिन मैं उसमें देखता हूँ कोई एक ना एक ऐसा होता है जो अपनी गाड़ी ऐसे लगा के जाता है कि ना आप आगे आ सकते हैं ना पीछे आ सकते हैं, और अब उसको बाजार में ढूंढते रहो, फिर ज़ाहिर लिफ्टर भी उसको आके इस वजह से नहीं उठा पाता कि एक बड़ा रश एरिया होता है, तो ज़ाहिर लिफ्टर के लिए भी आना बड़ा प्रॉब्लम होता है। और लोग ये जो ट्रैफिक वालों के साथ जो मिसबिहेव कर रहे होते हैं, ये मैं इसके बड़ा मजम्मत करता हूँ कि वो एक बड़ा मुश्किल काम कर रहे होते हैं। आप खुद सोचें कि इतनी गर्मी हो सर्दी हो, वो खड़े में वो उन हैवी बूट्स के साथ, उनकी शहादतें भी हुई हैं बड़ी, जिसकी वजह से उनको बुलेट प्रूफ जैकेट पहननी पड़ रही है, तो उस पर थोड़ा आप लोग देखा करें। बुशरा, हम अगर स्कूल्स की बात करें या एजुकेशन सेंटर्स की बात करें, तो वहाँ पर ठीक है तालीम तो दी जाती है, और ऐसा कोई टॉपिक भी आता होगा जी वक्त बड़ा अहम है कीमती है, आप नहीं समझती कि बच्चों को अब छोटे से जब वो बिल्कुल ही
इनिशियल स्टेज पर होते हैं उन्हें तब से इस चीज़ को सिखाया जाए कि जी वक्त बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, स्कूल में पीरियड्स के टाइमिंग होते हैं, 8 बजे का स्कूल 8 बजे लगेगा, लेकिन कुछ अलग से होना चाहिए। देखिए, बीइंग अ टीचर्स इट्स अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम अपने स्टूडेंट्स में इस चीज़ की इम्पोर्टेंस जो है उनको रियलाइज़ करवाएं। यू शुड बी द रोल मॉडल फॉर योर स्टूडेंट्स। अगर स्टूडेंट्स आपको देख रहे हैं कि आप टाइमली हर चीज़ मैनेज कर रहे हैं, आप टाइमली उनको होमवर्क दे रहे हैं और चेक उनका होमवर्क, अगर बच्चा होमवर्क करके ला रहा है आप टाइमली उसको, तो डेफिनेटली वो इनहेरिट करेगा आपकी गुड क्वालिटीज़। और इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी एज वेल कि आप बच्चों को छोटी छोटी एग्जाम्पल्स दे के वक्त की अहमियत को रियलाइज़ करवाएं उनको। इट्स नॉट ओनली कि आप गए हैं क्लास में, आपने लेसन कंडक्ट किया है, आपने अपना काम किया, एंड देन एक छोटा सा सेशन काउंसलिंग का भी स्टूडेंट्स के लिए बनाना चाहिए। आई यूज़ टू डू विद माई स्टूडेंट्स के स्टार्ट हम लेसन करते हैं उससे पहले आई यूज़ टू आस्क विद द स्टूडेंट्स दैट हाउ वॉज योर डे, हाउ यू वर फीलिंग यस्टरडे, इज़ एवरीथिंग ऑल राइट। सो डेफिनेटली आप स्टूडेंट्स को कम्फर्ट जोन प्रोवाइड करें, वो आपसे बहुत सारी बातें शेयर करते हैं और उन्हीं बातों में आप लोग उनको बड़ों का अदब करना, वक्त की अहमियत, अ लॉट ऑफ थिंग्स यू कैन डू। तो आई थिंक इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी डेफिनेटली फॉर द टीचर्स एज वेल कि आप अपने स्टूडेंट्स को रियलाइज करें। अब जैसे आप ये कर रही हैं और भी डेफिनेटली करते होंगे, बहुत अच्छे टीचर्स हैं हमारे यहाँ मौजूद। उसके बाद जब वही बच्चा घर जाता है और उसको बिल्कुल उसके अपोजिट मिलता है, तो एक बच्चा तो ज़ाहिर है छोटा है, वो कन्फ्यूज कितना होता है। स्कूल में सीख रहा है टाइम की पाबंदी, घर पे देख रहा है बिल्कुल मिसमैनेज, तो ये कितना कंफ्यूजिंग होता है बच्चे के लिए। हो सकता है वो घर जाके ये भी बताए कि हमारी टीचर्स तो हमारे लिए रोल मॉडल हैं, तो हो सकता है कि हम अक्सर अपने बच्चों से बहुत सारी बातें सीख रहे होते हैं। तो अगर आप बच्चे जाके उनको ये बताएं तो हो सकता है पेरेंट्स रियलाइज़ करें कि मतलब एक होता है ना कि एम्बेरसमेंट फील हो उनको कि स्कूल में तो बच्चा ये सीख के आ रहा है, वो हमें बता रहा है कि वक्त कैसे, वक्त की पाबंदी कैसे करनी है। तो डेफिनेटली साइकोलॉजिकली उन पर ये असर होगा। लेकिन आप ये सोच के कि घर में मिसमैनेजमेंट है, आप अपने फ़र्ज से पीछे ना हटें। डेफिनेटली, लेकिन ये आप नहीं समझती कि हमारे यहाँ बहुत सी चीज़ों की जिम्मेदारी अब टीचर्स पर डाल दी जाती है कि ठीक है जी हम स्कूल में भेज रहे हैं तो बस ठीक है हमने पे किया, वहाँ से बच्चे को बिल्कुल फाइन क्वालिटी में बना के निकाले। मेरा सवाल जो एक्चुअल वो ये है, वो ये कि ठीक है आप लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कर रहे हैं उस तरह, घर वालों की कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। देखें, ये एक ट्रायो है, टीचर्स स्टूडेंट्स एंड द पेरेंट्स। ये ट्रायो उसी सूरत में सक्सेसफुल हो सकता है जब सबकी कोऑपरेशन हो। अगर सिर्फ टीचर्स कोऑपरेट कर रहे हैं, टीचर अपना डेफिनेटली द स्टूडेंट्स अपना जो एक क्वालिटी टाइम है मॉर्निंग का वो टीचर्स के साथ स्पेंड करते हैं, लेकिन अगर घर में उनको अपोजिट सारी चीज़ें मिल रही हैं तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं वो डिस्टर्ब होंगे। सक्सेस अगर फौरन हासिल हो सकती है तीनों के ट्रायो की कोऑपरेशन से, तो वो उस तरीके से हासिल नहीं होगी। तो पेरेंट्स को भी कॉम्प्रोमाइज़ और पेरेंट्स को भी कुर्बानी देनी पड़ेगी अपने बच्चों के लिए। और यही नहीं कि अगर टीचर्स के ऊपर हर चीज़ डाल दी जाए, हर टीचर पे ही रिलाई किया जाए कि ईच एंड एवरीथिंग इट्स अप टू द टीचर, नो, इट्स अ ट्रायो। और आपको घर में भी जो है बच्चों को अहमियत देनी पड़ेगी, उनको सिखाना पड़ेगा, आपको रोल मॉडल बनना पड़ेगा। ट्रू। और जी, तरह से बच्चे जो हैं जब छोटे होते हैं तो वो अपने अम्मी अब्बू को पसंद करते हैं, लेकिन फिर एक एरा ऐसा आता है कि टीचर्स उनके रोल मॉडल बन जाते हैं। और ये जिम्मेदारी ज़ाहिर है टीचर्स की भी है, पेरेंट्स की भी है, माशरे की भी है कि वक्त की अहमियत को उजागर किया जाए। आप मेहमानों का बहुत शुक्रिया, आप हमारे निशस्त में आए। और यहाँ भी देखें वक्त कितना अहम है कि जब वक्त हमारे प्रोग्राम का ख़त्म होता है हमें उसी वक्त ख़त्म करना पड़ता है, ना थोड़ी देर पहले ना थोड़ी देर बाद। हमारी नशियात का वक्त इस वक्त ख़त्म हो चुका है, कल इंशाल्लाह ताला दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपने मेज़बान सैयद शहरयार आसिम को इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान।